वेद व्यास संस्कृत की पुनः संरचना योजना के अधीन डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंसेस टू रिविजिट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन पार्ट फोर अर्थात भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के पुनरावलोकन के लिए समाज विज्ञानों की औपनिवेशिक मुक्ति का भाग चार लेक्चर सीरीज में आप लोगों का स्वागत है संस्कृत विभाग की ओर से। आज का जो विषय हमने लिया है वो है मीडिया लिटरेसी, व्हाट इट कैन लर्न फ्रॉम भगवद गीता, मीडिया संचेतना, ये अनुवाद हम लोगों ने किया है, और मीडिया लिटरेसी का भगवद गीता से ये क्या सीख सकता है। मीडिया लिटरेसी आप सभी जानते हैं मास कम्युनिकेशन का एक विषय है, जहां पर वो प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो मीडिया लिटरेट हो, ताकि वो ये जान सके कि कौन सी जो सूचनाएं हैं वो भ्रामक हैं, कौन सी मिथ्या है, कौन सी अर्ध सत्य हैं और कौन सी सत्य हैं, किस तरह की चर्चाएं जो हैं उसमें होती हैं, और उस मीडिया लिटरेसी के माध्यम से वो हर किसी को मीडिया लिटरेट करके इस सारे विश्व को बेहतर और विश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर आप मीडिया लिटरेसी पढ़ लेंगे तो ये सारी की सारी मनुष्यता और सारा विश्व जो है वो बड़ा भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकता है। निश्चित रूप से इसका क्रेडिट हमें देना पड़ेगा, इसके जो उत्पत्ति विकास और जो सारी बातें हुई हैं, प्रारूप निश्चित हुआ है वो पश्चिम से आया है, और उसी पश्चिम के उस प्रारूप को उसी रूप में हम यहाँ पे लागू करके पढ़ा रहे हैं और हर किसी को मीडिया लिटरेट बना रहे हैं। लेकिन विचार करने का विषय ये है कि क्या हमने अपनी भारतीय परंपरा से कभी कोई पक्ष इसमें समाहित किया, किसी का समायोजन किया, किसी एक तत्व को हमने इसमें समन्वित किया, या हम वही करते रहेंगे कि जो वहां से ठप्पा लग कर आएगा उसी को हम मानेंगे और उसी को हम पढ़ाएंगे और फिर हम कहेंगे कि हम बेहतरीन, हमने मीडिया लिटरेट बना दिया, हम अध्यापक नहीं हुए, हमने जो वहां से लिया उसको आगे प्रेषित कर दिया, तो केवल माध्यम बन के रह गए, विचारकता का अंश इसमें नहीं आया। तो इस सारे विषय को हम थोड़ा सा लेंगे और संभव है कि इसको दो भागों में लें, एक तो मीडिया लिटरेसी जो गीता से इसको सीखना चाहिए या सीख सकते हैं, और दूसरा कि मैसेज डिकोडिंग का जो एक इशू है मीडिया लिटरेसी में, उसको कल या परसों आने वाले लेक्चर में उसको भी हम टेकअप करेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में उस मैसेज डिकोडिंग को किस तरह से लिया जाता है और उसको कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपने अपने विषय में। बाकी यदि कोई बहुत दुराग्रह है अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत से तो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये एक संभावना है। तो अगर आप अपने को मीडिया लिटरेट समझते हैं और संभावनाओं में, विचार की संभावनाओं में आपका विश्वास है, तो आपका आज की चर्चा में स्वागत है। और आप लोगों से आग्रह रहेगा हमेशा की तरह कि जो कुछ संस्कृत विभाग प्रस्तुत करने जा रहा है आप उससे तर्क संगत रूप से, युक्ति संगत रूप से असहमत हों, उस पर आक्षेप भी करें और अपनी असहमति जताते हुए एक विकल्प देने का प्रयास करें, ताकि संस्कृत विभाग पुनः अपने कथन को सुधार सके, उसका संस्कार कर सके और फिर उस बात को आप लोगों के साथ साझा करें। चलिए संस्कृत विभाग की ओर से हम इस विषय को आरंभ करते हैं, और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नीचे विषय के नीचे, कि संस्कृत विभाग को ये समझ में आता है, क्योंकि संस्कृत विभाग वो मान्यताओं वाला विभाग नहीं है, वो जानने में विश्वास करता है, जिज्ञासाओं में जिज्ञासा परक है, न कि वो मान्यता परक है। तो हम जानते क्या है इसके ऊपर अधिक बल है, मानते क्या है इससे हमारा कोई बहुत अधिक संबंध नहीं है। तो यहाँ पर गीता इज अ धर्म एंड कर्म ऑफ MIL, जिसे मीडिया लिटरेसी कहते हैं। तो गीता किस तरह से धर्म और कर्म है मीडिया लिटरेसी का, उसको हम देखते हैं। तो जो लोग मीडिया लिटरेसी से परिचित नहीं है उनके लिए व्हाट फॉर मीडिया लिटरेसी, इसको हम दो भागों में ले लेते हैं, टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ मीडिया
इन्फ्लुएंस, पहला कारण ये है। दूसरा है एंड टू क्रिएट एन एक्टिव स्टांस टुवर्ड्स बोथ कंज्यूमिंग एंड क्रिएटिंग मीडिया, और ये कैसे होगा, असेस एनालाइज एंड एवेल्युएट। तो ये दो कारण हैं और इसको हमने असेस कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है और एवेल्युएट कैसे करना है मीडिया लिटरेसी को संक्षेप में, सार रूप में ये दो मुख्य बातें हैं। दूसरी तरफ व्हाट फॉर गीता, गीता को आप वर्षों से जानते समझते हैं और ये भी अभी तक हमें शुक्र मानना चाहिए जो लिब्रांडूज हैं, जो लिबरल्स हैं और जो इस तरह के वामपंथी लोग हैं कि मनुस्मृति की तरह उन्होंने अभी तक गीता को जलाया नहीं, तो उनका धन्यवाद करते हुए हम ये देखने की कोशिश करें कि गीता क्या करती है। गीता और मीडिया लिटरेसी को जब हम एट पार लाने की कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो उसमें वर्ड फॉर गीता इज सेंसिबल ह्यूमन बींग की बात करती है, गीता सोसाइटल वेलबींग की बात करती है। यही दो तत्व संस्कृत विभाग को उसमें देखने को मिले हैं। जिन्होंने केवल अध्यात्मिकता उसमें ढूंढनी है वो उनको वो देखें, लेकिन संस्कृत विभाग गीता को इस दृष्टि से देखता है कि एक सेंसिबल ह्यूमन बींग कैसे हो और सोसाइटल वेलबींग कैसे हो, और उसका जो प्रोसेस है, जैसा कि आपने मीडिया लिटरेसी में देखा कि एसेस एनालाइज और एवेल्युएट, यहाँ पर है डायलॉग डिकोडिंग इंक्वायरीज एंड नॉट गिविंग आंसर। आप पूरी गीता को देखते हैं तो वो सीधे सीधे कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, वो उसकी इंक्वायरीज को, अर्जुन की इंक्वायरीज को ही डिकोड करना सिखा रहे हैं कि जो तुम प्रश्न, जिसे तुम प्रश्न समझ रहे हो वो प्रश्नाभास हैं, तो इसलिए उसके प्रश्नों को वो सीधा कर रहे हैं कृष्ण। तो बात को थोड़ा सा और अग्रसर करते हुए कुछ शब्दावली को आप देख लीजिए कि जब हम गीता के बारे में बात करने जा रहे हैं मीडिया लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर धर्म का अर्थ क्या है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि मीडिया लिटरेसी के लिए आवश्यक है जो भी मीडिया पर्सन है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है, देना उसका धर्म है। नहीं तो मीडिया के नाम पर जिस तरह से आप लोग देखते हैं टीवी पे, अखबारों में किस तरह की इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन को हाईलाइट किया जाता है और अर्ध सत्यों को और बाकी सब सूचनाओं को किस तरह से प्रेषित किया जाता है। अधर्म क्या है, अनडिजायरेबल इंफॉर्मेशन। कर्म क्रिटिकली इवेल्युएट एंड क्रिएट सूचना इंफॉर्मेशन, मीडिया इंफॉर्मेशन। स्थित प्रज्ञ का मतलब है सेंसिबल मीडिया लिटरेट पर्सन। योग का मतलब है व्हाट हैज नॉट बीन अचीव, इट मीन्स टू अचीव दैट। ज्ञान का मतलब है टू नो व्हाट इज डिजायरेबल और व्हाट इज नॉट डिजायरेबल। यज्ञ का मतलब है पार्टिसिपेशन, क्योंकि मीडिया जो है वो पार्टिसिपेशन है, जब तक सोसाइटी उसमें इंक्लूड नहीं होगी तो मीडिया पर्सन कुछ नहीं कर सकता। वेद इज टू नो, लोक संग्रह, ब्रिंगिंग टूगेदर द सेंसिबल मीडिया लिटरेट्स टू ब्रिंग इन सोसाइटल वेलबींग। तो ये हमारे जो है देखने का दृष्टिकोण है। आप इससे सहमत नहीं है तो बहुत स्वागत है और हम इसको अग्रसर करते हैं अपनी बात को। व्हाट इज द MLN डेफिनेशन ऑफ मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट अलाउ पीपल टू असेस, क्रिटिकली इवेल्युएट एंड क्रिएट और मैनिपुलेट मीडिया। मीडिया लिटरेसी इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन मीडियम। Media literacy education is intended to promote awareness of media influence and create an active stance towards both consuming and creating media. So, ये है media literacy की definition. अब दूसरी तरफ आप गीता के प्रश्नों पर आ जाएं कि गीता किस तरह से परिभाषित करने के लिए आपको प्रेरित करती है। What kind of human beings media literate people will be? और व्हाट काइंड ऑफ कर्ता, भोक्ता एंड ज्ञाता मीडिया लिटरेट्स विल बी। ये एक मूल प्रश्न है, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं गीता की ओर से। व्हाट हैपेंस अराउंड यू व्हेन यू क्लेम टू बी ए मीडिया लिटरेट। विल मीडिया लिटरेसी ट्रेनिंग एंड ह्यूमन नेचर इंटीग्रेट एंड डिसॉल्व पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ वेलबींग विल मीडिया लिटरेसी विल ब्रिंग। And fifth is, can media literacy claim that media literate society will be free from corruption, violence,
or at least it assures humanity of safe and meaningful future. तो ये मीडिया लिटरेसी से कुछ एक प्रश्न हैं गीता की ओर से. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब मीडिया लिटरेसी के बारे में बात करते हैं गीता की दृष्टि से, तो गीता जो है वो आचार शास्त्र है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, विचार शास्त्र भी है, थिंकिंग सिस्टम भी है, थिंकिंग पैटर्न्स आप उसमें देख सकते हैं, और व्यवहार शास्त्र भी है कि प्रैक्टिकल लाइफ को आपने चलाना कैसे है. तो कुल मिलाकर के भगवद गीता की जो शब्दावली आप इस रूप में देख रहे हैं, धर्म कर्म ज्ञान यज्ञ योग वेद, और दूसरी तरफ आप मीडिया लिटरेसी की शब्दावली देख रहे हैं, प्रोड्यूस एनालाइज यूज एवेल्युएट. ये सारी इंफॉर्मेशन को लेकर के संदर्भ में ये सारी बातें हैं कि इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना है, एनालाइज करना है, यूज करना है, इवेल्युएट करना है, असेस करना है और क्रिएट करना है. अब दोबारा फिर इस इधर की ओर आप आ जाइए. व्हाट हैपेंस टू मीडिया लिटरेट व्हेन ही और शी अंडरस्टैंड्स गीता, कि क्या होगा जब वो गीता को पढ़ लेगा. तो उसके लिए, इसके लिए बड़ा सीधा सा एक अर्थ है कि यस्मान नो द्वेचिते लोको लोकान नो द्विचिते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर् मुक्तो यः सच मे प्रियः. मीडिया लिटरेट वो गीता पढ़ करके वो व्यक्ति बनता है, वो कंट्रीब्यूट करता है जिससे कि न लोक उद्वेजित होता है, उत्तेजना में आता है, डिस्टर्बेंस नहीं होती, और लोक जिससे पीड़ित नहीं होते, उत्तेजित नहीं होते, न लोगों से वो पीड़ित होता है न लोग उसको उत्तेजित करते हैं. हर्ष आमर्ष भय और उद्वेग से मुक्त जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो मीडिया लिटरेट होगा, वही भगवान को प्रिय होता है, लोक को प्रिय होता है. भगवान शब्द हम यहाँ नहीं प्रयोग करेंगे, यहाँ शब्द लोक ही हम लेंगे. तो लोक में वही व्यक्ति प्रिय होता है, और इसको बहुत बहुत मोटे अर्थों में अगर आप कहना चाहें तो बैलेंस्ड माइंड वाला जो मीडिया लिटरेट होगा या मीडिया पर्सन होगा, वही समाज का वेलबींग कर सकता है. तो इसलिए गीता मीडिया लिटरेसी के लोगों को, मीडिया कर्मियों को और मीडिया से जुड़े हुए मास कम्युनिकेशन के टीचर्स को पढ़नी चाहिए, और इस तरह से उनको इसमें रुचि लेनी चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए. दूसरी तरफ जो वर्तमान कालिक, व्हाट काइंड ऑफ मीडिया लिटरेट वन बिकम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग गीता, तो जो वर्तमान कालिक मीडिया कर्मी है, मीडिया लिटरेट्स हैं, उनके बारे में गीता क्या कहती है. या मिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते. इसका अर्थ मैं कर देता हूँ, अर्थ, क्योंकि उससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से मीडिया के लोग अपनी वाणी का, अपनी भाषा का, अपने व्यवहार का, अपने भावों और विचारों का प्रयोग करते हैं. तो जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की लोक में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उनकी बुद्धि समाधि में विधान नहीं कर पाती, वो उसमें स्थिर नहीं हो पाती. वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे और लोगों के जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको वो अपसेट करते हैं, उनको वो विकृति उसमें पैदा कर देते हैं. तो इसलिए मीडिया के लोगों के लिए, मास कम्युनिकेशन के लोगों के लिए गीता बहुत आवश्यक है. एक बार फिर आगे की बात को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं.
Whereas the purpose of media literacy education is to help individuals of all ages develop the habits of inquiry and skills of expression that they need to be critical thinkers, effective communicators, and active citizens in today's world. ये लक्ष्य है. अब भगवत गीता देखिए वो क्या कहती है कि भाई इसको और स्पष्ट कर देती है कि एक तरफ आप हर व्यक्ति के लिए वो मीडिया लिटरेट है या नहीं है हर व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है और दूसरा ईषणात्रय उसको उपलब्ध होना चाहिए और पुरुषार्थ में आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों हैं और ईषणात्रय में क्या है आपको लोकेषणा वित्तेषणा और पुत्रेषणा यानी कि आपको संसार में यश भी मिले सम्मान मिले आपको धन प्राप्ति भी हो वित्त की और पुत्र का मतलब है आपके आगे जो है संतानें उत्पन्न हो प्रोजनी आपकी हो तो वो सारे के सारा मीडिया लिटरेसी के लिए आवश्यक है. अब उसके लिए ये जो शब्दावली दी हुई है इससे मैं आपको पहले भी परिचित करा चुका हूं लेकिन फिर भी इस शब्दावली को गीता की शब्दावली को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे की बातें समझने में आपको सुविधा होगी. अब यहां पर आप देखिए कि हु वॉन्ट्स टू नो एंड लर्न मीडिया लिटरेसी तो गीता के अनुसार चार प्रकार के लोग हैं जो मीडिया लिटरेसी को जानना चाहेंगे. पहले वो लोग हैं जो पीड़ित हैं जिनको लगता है कि दुनिया में दुख है जो है वो अस्वस्थता है हर तरफ जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो उससे जो पीड़ित लोग हैं वो मीडिया लिटरेट होना चाहेंगे भगवद गीता के अनुसार और ये सातवें के 16वें श्लोक से लिया हुआ है. दूसरे वो लोग हैं जो अर्थार्थी हैं जैसा कि आप बड़े बड़े मीडिया सेंटर्स देखते हैं मीडिया लॉबीज देखते हैं वो पैसे के लिए सारा काम करते हैं उनका लक्ष्य कोई मानव कल्याण नहीं होता वो पैसे कमाने के लिए हैं. तीसरी तरह के लोग होते हैं जिज्ञासु. जिज्ञासु जो है वो जानना चाहते हैं कि मीडिया में छपी हुई खबरों को जान करके वो अपनी ओपिनियन बनाते हैं अपनी राय बनाते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल घोषित करते हुए वो ये सिद्ध करते हैं कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे अपने ज्ञान और बुद्धि से. लेकिन चौथी तरह के लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं जो ये जानते हैं कि मीडिया लिटरेसी की क्या सीमाएं हैं मीडिया को कहाँ तक उसको सीमा है और कहाँ उसको जो है वो प्रयोग करना है और कहाँ प्रयोग नहीं करना. ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो सेंसिबल लोग होते हैं. और एक बात और जो ध्यान देने वाली है कि आप सभी गीता के प्रथम श्लोक के प्रथम पाद से परिचित होंगे कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे ये एक प्रथम पाद है उसका संवेता युद्ध सभा दूसरा है. लेकिन वहां पर धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जब कहा जाता है गीता की ओर से मीडिया के लोगों को तो उसका संदेश सीधा सीधा ये है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु कि प्रत्येक मीडिया कर्मी को मास कम्युनिकेशन के टीचर को स्टूडेंट को या उससे जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को हर क्षेत्र में चाहे वो स्पोर्ट्स मीडिया है चाहे पॉलिटिक्स का मीडिया है चाहे वो इकोनॉमिक मीडिया है चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया है उसको धर्म करना चाहिए. क्षेत्र क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आप देखिए दो बार क्षेत्र क्षेत्र आया तो वो क्षेत्र क्षेत्र का मतलब क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनकंडीशनली कोई उसमें एक्सेप्शन नहीं है जो भी क्षेत्र आपका हो उस क्षेत्र में मीडिया कर्मी को स्वधर्म पालन करना चाहिए. अब ये धर्म कैसे करे क्या करे और उसकी समझ क्या हो उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं. गीता के अनुसार मीडिया संचेतना का जो प्रारूप है मीडिया लिटरेसी का जो एक मॉडल है और उसका जो लक्ष्य है उसको आप यहाँ देखिए. मीडिया संचेतना के दो पक्ष हैं गीता के अनुसार. एक है लोक संग्रह सारे समाज को इकट्ठा करना एकत्रित करना समन्वित करना. अब कहीं पर आप एकत्रित करने का अर्थ ये ना समझ लें कि आपने एक जगह पर लोगों को इकट्ठा कर दिया ईंट पत्थर रोड़े की तरह और वो लोक संग्रह हो गया. वो नहीं होता लोक संग्रह वो लोगों का जमावड़ा होता है. लोक संग्रह का मतलब है जहां पर लोगों का ग्रहण सम्यकता से किया जाता है कि एक दूसरे से वो संवाद करने में समर्थ हैं वो क्वालिफाइड हैं कि वो एक दूसरे के दुख को समझ सकें एक दूसरे की आवश्यकता को समझ सकें एक दूसरे का सम्मान कर सकें.
वो साथ मिलकर चल सकें, जो कि हमारा संविधान करने में अभी सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसकी सांस्कृतिक जड़ों को अभी हमें सुस्थापित करने की सघन आवश्यकता है। लेकिन उस पर जब चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान और लोक संग्रह की भावना का संबंध क्या है। लेकिन दूसरी तरफ गीता कहती है कि मीडिया संचेतना वाले जो लोग हैं, मीडिया लिटरेट पर्संस, वो स्थित प्रज्ञ होना चाहिए कि बुद्धि उसकी स्थिर। अब इसको आप बैलेंस मत समझिएगा, मोटे तौर पे कहना हो कह लीजिए, लेकिन स्थित प्रज्ञ का मतलब है जिसके प्रज्ञा स्थित है, तो जिसका ज्ञान स्थिर हो गया है, ज्ञान में विचलन नहीं है, व्यवहार में विचलन नहीं है, ऐसा जो स्थित प्रज्ञ होता है। तो अब इस दो के बीच में, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में आप देखें जो इक्वेशन आपके सामने संस्कृत विभाग प्रस्तुत कर रहा है, तो सारा का सारा गीता क्या है, वेद व्यास ने महाभारत का ये अंश है, तो वेद व्यास वहां पर जो है वो इसको मूल रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं और गणेश इसको लिख रहे हैं, तो वेद व्यास प्लस गणेश, तो जो कहा जा रहा है उसको गणेश लिख रहे हैं। यही मीडिया है कि जो देखा जा रहा है, जो देखा है आपने, उसको ही आप नोट डाउन करवा रहे हैं, डिक्टेट करा रहे हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई आप संवाद से करते हैं, क्योंकि आगे की सारी बात संवाद में जाएगी, डायलॉग में जाएगी, जो कि फर्दर मल्टीप्लाई होता है ब्रैकेट में, आप देखें दो स्तर पे होता है। एक तो है धृतराष्ट्र और संजय के बीच में संवाद, ये संवाद कैसा है, जिसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, जैसी घटना घट रही है वैसा वैसा वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, और धृतराष्ट्र उत्तेजना में रह रहे हैं, एक निरंतर तनाव में जी रहे हैं, और संजय जो है वो बिल्कुल एक निष्पक्ष भाव से रिपोर्टिंग कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र अंधे हैं, वो नहीं जानते कि उस सूचना का जो उनको यथा तथ्य दी जा रही है, वो उसका वो करना क्या है और कैसे करना है वो नहीं जानते। लेकिन दूसरी तरफ कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हो रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वो मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है कि आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है, फिर और प्रश्न आते हैं, फिर उनका जो है वो उन प्रश्नों को डिकोड किया जाता है, और फिर जाकर के क्या होता है, श्री मिलती है, विजय मिलती है, भूति मिलती है, मंगल होता है, कल्याण होता है। तो कुल मिलाकर के मीडिया संचेतना अगर लोक कल्याण, मंगल, वेलबींग, भूति, श्री, विजय नहीं प्राप्त कराती, तो हमें मीडिया संचेतना के ऊपर, उसके विषय के ऊपर, उसके प्रारूप के ऊपर, उसके कंटेंट के ऊपर हमें पुनः विचार करना चाहिए, और शर्म नहीं करनी चाहिए कि वो भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उससे कोई तत्व ग्रहण करके अपने सिलेबसिस में उसको एडप्ट करें। तो इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए इसको ठीक से परिभाषित कर देता हूं, वेयर एज इसी इक्वेशन को, वेद व्यास स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज, गणेश स्टैंड्स फॉर ब्रिंगिंग इट टू विजुअल रिटन फॉर्म मीडिया एज नॉलेज इज, संवाद इज कम्युनिकेशन, धृतराष्ट्र स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड दैट इज नॉन क्वालिफाइड सिटीजन्स क्वेरी एंड विल रिमेन टेंस बट विल नॉट एक्ट, संजय स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन पासर मीडियम, कृष्णा स्टैंड्स फॉर लीडिंग द एक्शन विद नॉलेज, अर्जुन stands for seeker, Shri, Bhuti, Vijay stands for well-being, Sthit Pragya stands for qualified sensible citizen, and Lok Sangraha stands for conscious media literates। तो इस तरह से अगर आप गीता को देखेंगे, समझेंगे, तो आपके मीडिया लिटरेसी जो है वो इंटेलेक्चुअल से एक सेंसिबल मीडिया लिटरेसी बन सकती है और समाज को पॉजिटिव और सार्थक जो है वो कंट्रीब्यूशंस कर सकेगी। इसी का भाग दो आप और देखिए कि मीडिया लिटरेसी के द्वारा हमें दो चीजें चाहिए, एक और क्षेम और एक और योग। योग का मतलब है अप्राप्त से प्राप्तम, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, तो मीडिया लिटरेसी वही करना चाहती है, और क्षेम का मतलब है जो प्राप्त कर लिया है, अगर वेलबींग आपने प्राप्त कर लिया है तो उसका वो संरक्षण करे। तो मीडिया लिटरेसी के ये दो दायित्व हैं, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, बट हैज नॉट बीन अचीव्ड मस्ट बी अचीव्ड,
और जो अचीव कर लिया गया है इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब इसी के साथ यहां पर आप देख पा रहे हैं मीडिया कर्म और मीडिया का धर्म। अब इस मीडिया का कर्म और धर्म में क्या है, समत्वम योग उच्यते, कि योग जो है वो क्या है, समभाव में रहना आना चाहिए। अगर मीडिया कर्मी उत्तेजित हो जाएगा तो वो इम्बैलेंस रिपोर्टिंग करेगा, अनुचित रिपोर्टिंग करेगा, अल्टीरियर मोटिव्स उसके आ जाएंगे। और योग क्या है, कर्मसु कौशलम, मीडिया क्या है, कर्म में कुशलता का नाम है। कि मीडिया में जो कर्म, मीडिया का जो आप सूचनाएं देते हैं, सूचनाओं का प्रसार प्रचार करते हैं और सूचनाओं को जो ग्रहण करते हैं, उस कर्म में अगर आपकी कुशलता नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सारी मनुष्यता के प्रति अपराधी हैं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि मीडिया कर्मियों का, मीडिया हाउसेस का मनुष्यता के प्रति बहुत बड़े अपराध हैं। उन्होंने बहुत कुछ मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, हाफ इंफॉर्मेशन इस तरह की फैलाई है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी है, जिससे कि मनुष्यता की हानि हुई है और इस जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। अब इस प्रत्येक मीडिया कर्मी के तीन पक्ष होते हैं, एक होता है डूअर, कर्ता के रूप में, एक होता है इंजॉयर, इंजॉयर का मतलब आनंद लेने वाला नहीं, भोक्ता होता है, कि वो सूचनाओं को ग्रहण कैसे करता है। तो भोक्ता सूचनाओं को ग्रहण करने के रूप में है, और नोअर के मतलब है कि उन सूचनाओं का वो विश्लेषण करने की उसकी क्षमता क्या है और कैसे वो देखता है। एक ही सूचना है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो उसको हाईलाइट करके दिखाया जाएगा कि अरे अरे इस व्यक्ति ने ये कह दिया, जबकि उसको बिल्कुल एक माइनर सूचना के रूप में नीचे दिया जा सकता है कि बाय द वे ही क्लेम दैट, ही सेड दैट कि इंडिया शुड बी ए हिंदू राष्ट्र, लेकिन उसको हम दिखाएंगे कि नहीं नहीं बड़ा करके, क्योंकि उससे उत्तेजना फैलेगी, उत्तेजना फैलेगी तो अखबार बिकेगा। तो इस तरह की हम जो कर्ता भोक्ता और ज्ञाता में हमने असमंजस्य बिठा रखा है, बना रखा है, और उसी को हम नॉर्मल कंडीशन समझते हैं, तो उससे बचना चाहिए, वो मनुष्यता का अहित ना। इस मीडिया लिटरेसी की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मीडिया ने चार जो हैं वो मनुष्यता के प्रति अपराध किए हैं। कौन कौन से, एक तो इमोशनल क्राइसिस, कंडीशनिंग करके इमोशनल क्राइसिस पैदा कर दिया है कि अखबार खोलते हैं सबसे पहले हत्या, हिंसा, पॉलिटिक्स में ये हो गया वो हो गया, इस तरह के भावों को आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। लैंग्वेज कंडीशनिंग भी बड़ी जबरदस्त है कि किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि लैंग्वेज मिसयूज लोग करने लगे हैं। आम भाषा के नाम पर शब्द का स्तरीकरण करने की बजाय आपने आम भाषा करते करते इतनी निम्न स्तरीय भाषा समाज में प्रचलित कर दी है कि उससे जो एक संस्कारित मनुष्य होना चाहिए था, श्रेष्ठ मनुष्य आना चाहिए था, वो और नीचे की ओर चला गया। नॉलेज कंफ्लिक्ट आपने कंडीशनिंग से पैदा कर दिया है कि ये सच या वो सच, नहीं जानते। कर्म वृत्ति जो है उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया है, क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है वो सारे का सारा किया नहीं जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट्स और जितने लोग हैं वो सारे के सारे इसके हमारे उदाहरण हैं, कि आप पैम्फलेट में कुछ छापते हैं और वस्तुतः ऑन ग्राउंड आप वो सब कुछ कर नहीं सकते। तो मीडिया लिटरेसी इसलिए आवश्यक है गीता पर आधारित, ताकि संपूर्ण मनुष्यता और समाज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज मिसयूज, नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट और एक्शन कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल सके। उसके लिए आवश्यक है कि गीता के अनुसार आप कर्ता बने, इंजॉयर बने, नोअर बने, कर्ता भोक्ता और ज्ञाता बने। इसलिए मीडिया लिटरेसी में गीता को लगाया जाना चाहिए। अब अगली बात को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ भगवद गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी इज द पीस, हैप्पीनेस एंड वेलबींग ऑफ द सेंसिबल पीपल। इसको इक्वेशन के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी मल्टीप्लाइड बाय 7.5 बिलियन पीपल माइनस ओवर इंटेलेक्चुअलाइजेशन डिवाइडेड बाय वन लिविंग अर्थ इज इक्वल टू वेलबींग। तो ये इक्वेशन है संस्कृत विभाग की ओर से गीता आधारित मीडिया लिटरेसी से वेलबींग हो सकता है, और कोई एक व्यक्ति का नहीं, एक देश का नहीं, एक समाज का नहीं, 7.5 बिलियन लोगों का, जो कि एक जीवित धरती पे रह रहे हैं, लेकिन
करना क्या होगा, उसमें से इंटेलेक्चुअलाइजेशन को कम करना होगा, उसको एक मिनिमम लेवल पे लाने की आवश्यकता है। तो ये गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी करेगी क्या, व्हाट इट विल डू? द गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी हेल्प्स पीपल टू चूज कॉन्शियसली एंड नॉट कंपल्सिवली। हम सभी के सभी कितने कंपल्सिवली चॉइसेस करते हैं, और बच्चों में तो खास तौर पे, स्टूडेंट्स में खास तौर पे आप देखते हैं कि इतने कंपल्सिव चॉइस के लिए बाध्य कर दिया गया है कि खाना नहीं खाएगा लेकिन मैगी जरूर खाएगा। हेल्प्स पीपल नॉट ओनली टू बी फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस बट आल्सो व्हाट टू डू विद योर फ्रीडम। तो गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी क्या करेगी, जो कि कॉमन मीडिया लिटरेसी, जो बेस्ट मीडिया लिटरेसी का मॉडल है, वो ये हेल्प नहीं कर सकता आपको बॉन्डेजेस से फ्री करे, बंधनों से मुक्त करे, और साथ ही साथ आपको ये भी इस बात के लिए सतर्क करे, सजग करे, जागृत करे कि आपने अपनी स्वतंत्रता से के साथ करना क्या है, अपनी फ्रीडम का करना क्या है। क्योंकि आज मनुष्य बंधनों से उतना दुखी नहीं है जितना दुखी वो अपनी स्वतंत्रता को लेकर के है कि अपनी स्वतंत्रता का करना क्या है। आप उस स्वतंत्रता को लेकर के इधर भाग जाएंगे, उधर चले गए, घूमने चले गए, बार में चले गए, क्लब में चले गए, बाहर खाना खाने चले गए, यही सब कुछ कर सकते हैं या इससे अतिरिक्त भी कुछ कर सकते हैं, कुछ मोर यूजफुल मोर सेंसिबल थिंग्स यू कैन परफॉर्म। तीसरी बात जो आपको सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, इट हेल्प्स पीपल टू मूव फ्रॉम इंटेलेक्ट टू इंटेलिजेंस। अगर आप सेंसिबल लोग चाहते हैं इस विश्व में, बुद्धिमान लोग चाहते हैं, बोधपूर्ण लोग चाहते हैं, तो उसके लिए इंटेलेक्ट से इंटेलिजेंस की ओर चलना होगा। इंटेलेक्ट क्या होती है, इंटेलेक्ट एक चाकू की तरह है, वो काटने का काम करती है, विभाजन करने का काम बुद्धि का है, लेकिन विषय को समग्रता से देखने का काम बोध का है, इंटेलिजेंस का है। तो बुद्धि और बोध में ये एक अंतर हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंटेलेक्ट विभाजन करके चलती है और टुकड़े से टुकड़े और टुकड़े से टुकड़े, और ये भूल जाती है कि वो सारे टुकड़े एक समग्रता का भाग हैं। तो समग्रता में देखना गीता आपको सिखाती है। और चौथा और अंतिम जो बात है, इट हेल्प्स पीपल टू इंटीग्रेट देयर फ्रेगमेंटेड पर्सनैलिटीज एंड बिहेवियर्स। ये जो मनुष्यों का बिखरा हुआ व्यक्तित्व है कि बाहर के दबाव और भीतर के तनावों के बीच में वो स्वस्थ मानसिकता से नहीं जी रहा और उसके व्यवहार में भी अस्वस्थता आ रही है, वहां पर भी गीता उसको अकल देगी, उसको सद्बुद्धि देगी, सद्भावना देगी और सत्कर्म के लिए प्रेरित करेगी। तो कुल मिलाकर के गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी ये मनुष्यता के लिए गाइडलाइंस हैं, उसके उसकी सहायता और उसको दिशा निर्देश देगी। अब ये मीडिया लिटरेसी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेपिंग अप द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी इन लॉन्ग टर्म। इट कैन नॉट रिमेन कन्फाइंड टू इंफॉर्मेशन एनालिसिस, राइट और रॉन्ग न्यूज ETC, बिकॉज व्हेन मीडिया लिटरेसी इज डीलिंग विद नॉलेज सिस्टम्स, देन मीडिया लिटरेसी हैज टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इट विशेज टू इवॉल्व। इट नीड्स टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट इन थॉट, इमोशंस, लैंग्वेज एंड एक्शन टू। This is what media literacy is for. तो गीता आधारित मीडिया संचेतना का जो प्रशिक्षण होगा, उसका जो तरीका रहेगा वो है संवेदना, कि उसको पहले सेंसिटाइज करें आप, फिर उसका संस्कार करें। संस्कार का मतलब है कि दोषापनयन और गुणाधान, दोषों को निकालें, जो जो उसमें कमियां हैं उसको आप दूर करें और संस्कारित करें अच्छे कामों के लिए, गुणों को स्थापित करें, और फिर उसको अधिकार मिले मीडिया लिटरेट होने का, एक सेंसिबल ह्यूमन बीइंग होने का, एक क्वालिफाइड सिटीजन होने का। इस क्वालिफाइड सिटीजन के ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे निकट भविष्य में। संस्कृत विभाग इसके भी मॉडल पे विचार करेगा, क्योंकि सिटीजन्स तो सारा बाय डिफॉल्ट हैं, लेकिन क्वालिफाइड सिटीजन कौन है इसको देखना सोचना की हमें नितांत आवश्यकता है। और अपनी बात को थोड़ा सा और संक्षेप करते हुए आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, संस्कृत विभाग साझा करना चाहता है कि व्यक्ति और समाज के अखंड व्यक्तित्व का नाम मीडिया संचेतना या मीडिया लिटरेसी है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति से टूटे बिना
निर्भय भाव से संवाद करने में समर्थ होता है। तो कुल मिलाकर के मीडिया लिटरेसी की ये कल्चर होनी चाहिए कि व्यक्ति और समाज का व्यक्तित्व अखंड रहे और व्यक्ति और समाज निर्भय भाव से संवाद करने में, अपने आप को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो। एक आखिरी बात संस्कृति विभाग आपसे साझा करना चाहता है कि मीडिया कर्मी के सामने अक्सर एथिकल जो है डायलेमा होता है, एक द्वंद्व होता है नैतिकता को लेकर के। हालांकि संस्कृत परंपरा में नैतिकता शब्द एथिक्स के अर्थ में नहीं आता, नैतिकता शब्द इस रूप में प्रयोग ही नहीं होता, वहां पे धर्म है या अधर्म है। लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर हमने एथिकल इश्यूज के नाम से इसको रख लिया है कि जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को कैसे रिजॉल्व करना है गीता के आधार पर। तो ज्यादा उसकी स्पष्टीकरण नहीं करेंगे, लेकिन उस विषय को फिर दोबारा उसको लेंगे जब मोरालिटी और एथिक्स के इश्यूज को हम टेकअप करेंगे। तो सबसे पहले जब किसी भी मीडिया कर्मी के सामने, रिपोर्टर के सामने या और लेखक के सामने कोई द्वंद्व है कि ये सूचना देनी चाहिए या कैसे देनी चाहिए, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या इस तरह के बहुत सारे हैं इश्यूज होते हैं, तो उसमें सबसे पहले गीता क्या कहती है, रिकॉग्नाइज दैट देयर इज एन एथिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहले उसको एक्नॉलेज करने के लिए कहती है। उसके बाद अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन, परिस्थितियों के जो तथ्य हैं उनको जानना। फिर उसमें टेस्ट द ऑप्शन यू प्लान टू टेक, ये बिल्कुल आपको गीता का दूसरा अध्याय देखने को मिलेगा कि उसमें वही सारी बातें कृष्ण जो है वो अर्जुन को सिखा रहे हैं, उसका प्रशिक्षण कर रहे हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ऑप्शंस, बिल्कुल आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि गीता का द्वितीय अध्याय आपको ये सारी बातें सिखाता है, दिखाता है, लेकिन उसको हम फिर कभी टेकअप करेंगे विस्तार में। अगली बात जो है अंडरस्टैंड द ऑप्शंस अवेलेबल, कि तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं ये भी देख लो अर्जुन। एक्सप्लेन द ऑप्शन यू हैव डिसाइडेड ऑन और एक्ट ऑन द चूजन ऑप्शन एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम। तो कुल मिलाकर के गीता इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इन स्तरों पर, इन 8 सीढ़ियों के आधार पर, सोपानों के आधार पर एथिकल इश्यूज जो मीडिया में रहते हैं उनको रिजॉल्व करने का तरीका बताती है। आप इसको हिंदी में भी इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में था, तो उसको नैतिकता परक मूल्यांकन हेतु जो गीता की व्यवहार परक शास्त्रीय प्रारूप है उसको नैतिकता के विषय प्रश्न का स्वीकृतिकरण, दूसरा है पारिस्थितिकीय तथ्यों की समझ, उपलब्ध विकल्पों की समझ, चयनित विकल्प के परिणामों की समझ, चयनित विकल्प का परीक्षण, ये क्ष लिखा गया, क्ष चाहिए था, चयनित विकल्प का स्पष्टीकरण और चयनित विकल्प की कार्यपरता और अंत में परिणाम विचार करना आवश्यक है। ये सारा जो आप देख रहे हैं 805 जो नैतिकता के प्रश्नों का समाधान करने के लिए, नैतिकता के जो द्वंद्व पैदा होते हैं, तो उसके जो फर्दर और आगे जो है उसमें कई और विषय हैं, उनको सब विषयों में विभाजित किया गया है उसमें। यहाँ पर हमने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल को लिया था कि जब हम वर्कशॉप कर रहे थे मोरालिटी के इश्यूज को लेकर के, तब ये सारे प्रश्न वहां पे लिए गए थे। लेकिन आप प्रश्नों पे जाएं, बाकी मैं संस्कृत के अभी कालिदास के उन विषयों को नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपने गीता पर आधारित इन विषयों को ले सकते हैं। और गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसमें इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप स्वयं रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और विशेष रूप से इसको हम बाद में जब एथिकल इश्यूज के ऊपर जब चर्चा रखेगा संस्कृत विभाग, तो उसमें इसका प्रशिक्षण विधि आप लोगों के साथ साझा करेगा। तो जो पहला सोपान रहा है वो है व्हाट इज द सिचुएशन, डू आई हैव चॉइसेस, व्हाट इज एट स्टेक। अर्जुन के सामने यही प्रश्न है कि सिचुएशन क्या है, कि दोनों सेनाएं हैं और दोनों सेनाओं के बीच में वो खड़ा है और उसके पास चॉइसेस क्या है, या तो वो मारे या फिर जो है वो कायरों की तरह भाग जाए। और उसमें स्टेक पे क्या है कि
जिसको प्रथम अध्याय के लगभग अंत में कहा है कि वर्ण संकरता उत्पन्न होगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे और सारी सामाजिक अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस तरह के मॉरल डायलेमा जो है वहां पर है। तो तीन भागों में उसको आप विभाजित करके देख सकते हैं। व्हाट आर द फैक्ट्स, अब अर्जुन के सामने यही सारे तथ्य हैं कि वहां पर विद्यमान क्या है, युद्ध क्षेत्र विद्यमान है, लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, सारी उम्र अर्जुन को तैयार इसी बात के लिए किया गया है कि तू क्षत्रिय है और तुझे मरने और मारने की तैयारी करनी है, उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया गया है, यही तथ्य है। डू आई नीड टू फाइंड एनीथिंग आउट, कि उसको लगा कि फिर भी मुझे कुछ और शेष जानना है कि नहीं जानना है, या जैसे कि वो दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा होकर ये जानना चाहता है कि कितनी शक्ति उनकी है और हमारी क्षमता कितनी है, ये दूसरा इसका प्रश्न है, दूसरे सोपान का दूसरा प्रश्न। तीसरे में आप देख सकते हैं व्हाट आर माय ऑप्शंस, उसके पास ऑप्शंस क्या है, या तो वो भाग जाए या वो लड़े। डू एनी लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोफेशनल एथिक्स इन्फ्लुएंस माय ऑप्शंस, तो अर्जुन का क्या क्षत्रिय धर्म प्रभावित करना चाहिए या उसका लोक धर्म प्रभावित करना चाहिए, कि लोग मर जाएंगे तो मुझे नहीं लड़ना चाहिए, खून ना बहे, मैं दरिद्रता में जी लूंगा, इस तरह का जो इन्फ्लुएंस है उसके ऑप्शंस को प्रभावित करने चाहिए, या उसका जो क्षत्रिय धर्म है उसको उसके निश्चय को प्रभावित करना चाहिए। फिर अगला जो सोपान था अंडरस्टैंड लेवल जो है, फोर्थ लेवल, अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑप्शंस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच ऑप्शन, कि अगर लोग मारे गए, ये सारे योद्धा 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, तो उसका परिणाम क्या होगा, सामाजिक अव्यवस्था, हु विल बी इफेक्टेड बाय ईच ऑप्शन, जो लोग मारे जाएंगे उनके परिवारों का क्या होगा, और अगर नहीं भी मारे जाते तो सारे समाज में किस तरह का जो है वो वातावरण होगा, वो सारा विचार करने की जरूरत है। हाउ विल द पार्टीज बी इफेक्टेड बाय ईच ऑप्शन, और दुर्योधन का जो पक्ष है और जो युधिष्ठिर का पक्ष है वो किस तरह से प्रभावित होगी इस तरह का कर्म करने से। और पांचवें स्तर पर टेस्ट द ऑप्शन यू प्लान टू टेक, विच इज द बेस्ट ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन, भागने का ऑप्शन चुनना चाहते हैं, आपके लिए भागना बेस्ट है या युद्ध करना बेस्ट है, और थॉरली रिव्यू द प्रेफर्ड ऑप्शन, उसके ऑप्शन को आप अच्छी तरह से विश्लेषण करें, तर्कसंगत तरीके से बुद्धि से आप उसका विश्लेषण करें। विल द प्रेफर्ड ऑप्शन बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, क्या ये समझाना दूसरों के लिए मुश्किल होगा कि भाई इस ऑप्शन को क्यों चुना, अगर अर्जुन ने युद्ध चुना गीता की समाप्ति पर, गीता की पूर्णता के बाद, तो जो आज का आधुनिक है, बुद्धिजीवी है, कॉन्स्टिट्यूटेड जो इंटेलेक्चुअल है, उसके लिए यह समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई जब युद्ध नहीं, युद्ध से बचा जा सकता था तो कृष्ण ने युद्ध क्यों करवाया, अर्जुन क्यों लड़ा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वहां पर वो कर सकता है। कैन आई जस्टिफाई माई एक्शंस, क्या आप अपने कर्मों को जो है उसको न्याय संगत रूप से सिद्ध कर सकते हैं, न्याय संगतता सिद्ध कर सकते हैं। और अंतिम जो प्रश्न का भाग है वो है हाउ विल आई इम्प्लीमेंट द डिसीजन, अब मुझे समझ तो आ गया और मेरी सारी जो विसंगतियां हैं, द्वंद्व हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो गए, जैसा कि अर्जुन कहते ही हैं पूरा ज्ञान प्राप्त करने के बाद कृष्ण को, कि मेरा जो व्यामोह है वो सारे का सारा समाप्त हो गया है, तो फिर अब डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो वो युद्ध क्षेत्र में कर्म कैसे करेंगे, ये सारा का सारा विचार करने की बात है। सेन द ऑप्शन यू हैव डिसाइडेड अपॉन, छठे जो स्तर है, एक्सप्लेन माई एक्शंस, आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई देम इन लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, ये मुझे स्पष्ट करना आना चाहिए तर्कसंगत रूप से, युक्ति संगत तरीके से, और फिर साथ ही साथ मुझे ये भी पता हो कि आई शुड हैव केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ माई डिसीजन, नाउ आल्सो कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हाउ आई कम्युनिकेट माई डिसीजन टू दोज अफेक्टेड, तो मैं युद्ध के बारे में अगर मैं निश्चय करता हूं तो मैं कैसे उसको जो है वो कम्युनिकेट करूंगा कि मैं युद्ध करूंगा ही, पहले तो संदेह था, पहले द्वंद्व था,
अब वो संदेह मिट गया है, लेकिन उसको मैं किस तरह से, किस भाषा में जो है संप्रेषित करूंगा। और सातवां जो स्टेप है उसमें है हाउ विल आई इम्प्लीमेंट माई डिसीजन, मैं अपने डिसीजन को किस तरह से जो है वो लागू करूंगा, उसको प्रभावी करूंगा, कैसे उसको प्रयोग में लाऊंगा। तो यही अर्जुन गीता की पूर्णता के बाद करता है। और आठवां जो अंतिम बात है, और यहाँ पर आकर के हम आज का ये संस्कृत विभाग अपना जो वक्तव्य है वो पूरा करेगा, रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम, हाउ डिड माई डिसीजन टर्न आउट। और जब आप देखते हैं कि महाभारत के अंतिम वानप्रस्थ पर्व में कि इतनी जो हानि हुई है मनुष्यों की, और उसका जो परिणाम युधिष्ठिर पे देखने को मिलता है वो बड़ा विषादपूर्ण है, बहुत भयंकर विषाद है वहां पर। और जो युधिष्ठिर है वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में चला जाना चाहते हैं कि हमारे कर्म का ये परिणाम हुआ, इस युद्ध का ये परिणाम सामने आया है, तो उससे वो बड़े विषाद में जाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद भीष्म और अर्जुन और भीम जो हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं। और दूसरा इसका जो प्रश्न है, इसका भाग, हु वाज अफेक्टेड एंड हाउ, कौन इससे प्रभावित हुआ और कैसे प्रभावित हुआ, ये सारी बात आती। तो कुल मिलाकर के गीता के अनुसार आप ये देखना चाहेंगे कि गीता आधारित मीडिया लिटरेसी क्या है। मीडिया एक संस्कार प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दोषों का अपनयन, दोषों को हटाना और गुणों को स्थापन प्रस्तुत करना। और इससे होता क्या है कि इससे वृत्ति बनती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति, कि आपने मीडिया में कैसे प्रवृत्त होना है और उससे मुक्त भी कैसे होना है। तो गीता आपको मीडिया लिटरेसी, गीता बेस्ड मीडिया लिटरेसी जो है वो आपको प्रवृत्ति करना और निवृत्ति करना, कि इसमें एंटर कैसे करना है और इससे बाहर कैसे आना है, ये दोनों चीजें एक साथ वो सिखाती है। और साथ ही साथ ये बात तो मैंने कह ही दी है कि संस्कार में दोषापनयन और गुणाधान, कि आप घटिया किस्म का जर्नलिज्म नहीं करेंगे, येलो जर्नलिज्म आप नहीं करेंगे। और इस सारे से आप में क्या होगा, मीडिया लिटरेट में तीन तरह के परिणाम होते हैं, धर्म परिणाम, अवस्था परिणाम और लक्षण परिणाम। धर्म परिणाम क्या है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो हमेशा एक श्रेष्ठता के लिए करेंगे, और अवस्था परिणाम क्या है कि जो भी आप करेंगे उसमें तनाव कभी नहीं आएगी, तो आप विषाद या तनाव की अवस्था में नहीं रहेंगे, आप एक जो है सामान्य अवस्था में रहेंगे और उन कार्यों को ज्यादा युक्तिसंगत तरीके से कर पाएंगे। और लक्षण परिणाम क्या है कि आपके कर्मों को देख करके, आपके व्यवहार को देख करके लोग अनुमान कर पाएंगे कि ये व्यक्ति एक वस्तुतः अपने धर्म में, अपने मीडिया धर्म में स्थित है, और इसके कर्म इसके प्रभाव को बताते हैं, सिद्ध करते हैं कि ये एक गीता पर आधारित मीडिया लिटरेट व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के ये संस्कृत विभाग की प्रस्तुति थी मीडिया लिटरेसी के ऊपर, कि मीडिया लिटरेसी को क्या क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, इस सारे विषय को हमने आज आप लोगों के साथ, संस्कृत विभाग ने आप लोगों के साथ साझा किया है। आप लोगों की प्रश्न, जिज्ञासाएं, टिप्पणियां, समालोचनाएं, असहमतियां, आलोचनाएं सब सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी असहमति हमारे साथ YouTube पर साझा कर सकते हैं और व्यक्तिगत रूप में संपर्क भी कर सकते हैं। तो धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार।